हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मामा अर्थ के न्यूली लॉन्च एक प्रोडक्ट का रिव्यू, एंड दैट वन इज मामा अर्थ मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक विद एवोकाडो ऑयल एंड विटामिन ई। तो बेसिकली मामा अर्थ अभी मेकअप प्रोडक्ट्स भी काफी लॉन्च कर रहा है। मामा अर्थ का काजल, मामा अर्थ का लिप बाम, ये मेरे चैनल पे आपको नॉन स्पॉन्सर इसके वीडियो देखने को मिल जाएंगे। एंड ये जैसे ही लॉन्च हुई थी मैंने इसको परचेज कर लिया, एंड एक से दो बार लाइक पूरे दिन मैंने अच्छे से इसको लगा के देख भी लिया है कि कितने तक स्टे करती है, मॉइस्चर लॉक है या नहीं है, कैसा इसका रिजल्ट है। तो ऑनेस्ट एक्सपीरियंस मैं आपको अपना शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इसीलिए मैंने इसका एक ही शेड परचेज किया है। इसमें आई थिंक मामा अर्थ ने 8 to 9 शेड लॉन्च किए हैं, तो मुझे लगा कि यार पहले एक मंगवा लेते हैं, देखते हैं कैसा है, अच्छा है नहीं है, एंड उसके बाद देखेंगे। अगर अच्छा लगा तो शेड्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, न्यूड भी है, पिंक में भी है, रेड टोन में भी है, थोड़ा सा प्लम टोन में भी आपको काफी अच्छे अच्छे शेड्स लॉन्च किए हैं। तो मैंने जो शेड पिक किया है दैट इज 02 प्लम पंच। बट एस सच आपको सारे शेड्स इस वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे, बट दिस इज नॉट स्पॉन्सर। तो पूरे दिन का एक्सपीरियंस मैं लाइव आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो या पहले फटाफट से इसकी पैकेजिंग एंड ऑल की बात कर लेते हैं, एंड उसके बाद हम देखते हैं कि पूरा दिन कितने आज तक ये मेरी लिप पे स्टे करके रही या नहीं रही। इन केस अगर आप मामा अर्थ की ये न्यू लॉन्च लिपस्टिक परचेज करना चाहते हो तो आई एम डैम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए फटाफट से इसकी पैकेजिंग एंड ऑल की बात कर लेते हैं, एंड उसके बाद मैं अपना लाइव रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, दिस इज द आउटर बॉक्स पैकेजिंग ऑफ मामा अर्थ मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक, जो कि आती है एवोकाडो ऑयल एंड विटामिन ई के साथ। सो ओवरऑल पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, जैसे मामा अर्थ के अदर प्रोडक्ट्स आते हैं वैसे ही इसकी पैकेजिंग है, सो ओवरऑल अट्रैक्टिव है। सो यहाँ मेंशन है 8 आवर्स तक के मॉइस्चर लॉक रखेगा, मैट सेफ प्रोडक्ट है, एंड 12 आवर्स तक ये आपके लिप पे स्टे करके रहेगा। लेट्स सी, वो हम अभी देख लेंगे। एंड MRP यहाँ मेंशन है 499 रुपीज़, बट ये आपको ऑलमोस्ट मामा अर्थ की वेबसाइट पे एंड Amazon वगैरह पे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल ही जाएगी। एंड बाकी कैसे यूज़ करना है नॉल लिखा है, बट यहाँ पे एज सच इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं है, सिर्फ दो ही की इंग्रेडिएंट्स जो है एवोकाडो ऑयल एंड विटामिन ई वो हमें बताए गए हैं। एंड दिस इज स्मज प्रूफ कम्फर्टेबल वेयर एंड डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। सो ओवरऑल एज सच इसके अंदर हार्मफुल केमिकल नहीं है क्योंकि ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। सो अंदर आपको मिलता है कुछ इस तरह की ये बुलेट लिपस्टिक, तो पैकेजिंग वाइज काफ़ी अच्छी है, एंड क्वान्टिटी आपको मिलती है 2 ग्राम, विच इज़ वेरी सफिशियंट। लाइक इतने ही प्राइस में आपको 2 ग्राम मिलेगी और अदर ब्रांड्स में अगर आप जाओगे तो। सो या दिस इज़ द कलर जो मैंने पिक किया है, प्लम पंच, काफ़ी अट्रैक्टिव सा कलर है, डार्क पिंक और रेड का मिक्स करके है, काफ़ी अच्छा कलर मुझे ये लगा। सो देखो आप, इसका फॉर्मूला जो है काफ़ी ज़्यादा बटरी है, स्मूथली स्प्रेड हो रही है, और एज सच आपको बहुत एफर्ट्स डालने की भी ज़रूरत नहीं है। एक स्ट्रोक आप अगर लगाओगे ना तो भी बहुत अच्छा सा ये पिगमेंट दे देगी। सो नाउ लेट्स सी कि स्मज प्रूफ है या नहीं है। तो बहुत जेंटली टैप कर रही हूँ मैं अपनी फिंगर को, और आप देख सकते हो कलर भी मेरी फिंगर पे निकल के आया है, तो स्मज प्रूफ है टोटली। वो नहीं बोलूँगी कि लिप पे लगाने के बाद ड्राई हो जाएगी और अच्छे से निकल के नहीं आएगी, स्टे करके रहेगी। सो फिलहाल हाथ की तो ये बात है, लिप्स पे भी हम अभी अप्लाई करके देखेंगे। तो वाटर प्रूफ भी देख लेते हैं है या नहीं है। तो एज सच पानी के नीचे जैसे मैंने रखा है अपना हाथ, तो इसे बह के इसका कलर नहीं आया है। सो वी कैन से कि अगर आप बारिश में जाते हो या आप थोड़ा सा अगर आपके लिप्स वगैरह गीले होंगे तो एज सच फेल के नहीं जाएगी, लिप से स्टे करके रहेगी। सो या एंड ये भी देख लेते हैं वाटर के बाद, जैसे थोड़ा सा अगर गीले विले हो जाते हैं आपके लिप्स तो उसके बाद अगर आप रब करोगे तो निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो यस, आप देखो कलर तो थोड़ा बहुत निकल रहा है, एज सच ये स्टिक नहीं हुई है स्किन के साथ। सो लेट्स सी अभी क्या होता है। तो चलिए मैं अभी अपना फुल डे का लाइव रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने लिप्स पे, और डेट थी 1st of March, महाशिवरात्रि का दिन था। तो मॉर्निंग 11 o'clock के अराउंड मैंने नहा धो के इस लिपस्टिक को लगाया था। एज सच कोई भी मेकअप वेकअप नहीं किया, जस्ट नॉर्मल मैंने काजल अप्लाई किया है। सो कलर आप देखो, बहुत ही प्रिटी मुझे ये कलर लगा। ऑलमोस्ट मुझे ना ऐसे जो कलर होते हैं ना थोड़े से पिंकिश रेडिश टाइप के, वैसे कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो टाइम एंड डेट डे सब कुछ आप देख सकते हो। सो या अभी मैं थोड़ी सी देर बाद आपसे मिलती हूँ। सो ये मैं मंदिर वंदिर जाके आई थी, और टाइम अभी हुआ है 1:30 अराउंड, और आप देख सकते हो लिप्स पे मेरे अभी भी है इसका पिगमेंट। एज सच मैंने मास्क वगैरह भी लगाया था मंदिर गई थी तो, और अभी मैं
खाना खा रही हूँ वो भी मैंने आप लोगों के साथ शूट किया था, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि लोग बोलते हैं कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, आपने पानी पिया नहीं पिया, हमें क्या पता कि आपके लिप्स पे स्टिक या नहीं की। तो दिस इज़ माय ऑनेस्ट एक्सपीरियंस, तो मैं अच्छे से खाना वाना खा के आप लोगों के सामने ही बता रही हूँ कि मैंने जो फलाहार था, जो मैंने साबुदाने की खिचड़ी हलवा वगैरह बनाया था, वो सामने बैठ के खा रही हूँ। सो जब मैं खा रही थी ना, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यस, मेरा स्पून पे जो लिपस्टिक का कलर है वो निकल के आ रहा है। तो जो इनर पार्ट थे लिप्स के, वहाँ से थोड़ा सा कलर निकल के आया है, वो अभी आप वीडियो में भी देखोगे अच्छे से। तो यस, अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट, मुझे 10 से 15 मिनट लगे थे खाना वाना खाने में। तो यस, आप अभी आप देखो जो अंदर के लिप्स वाले जो कलर है ना, वो थोड़ा सा निकल के आया है और आउटर साइड पर एज इट इज़ है। बट यस, फील हो रहा है कि लिपस्टिक अभी भी है मेरी लिप्स पे, ऐसा नहीं है कि 2 घंटे बाद पूरी निकल के साफ़ हो गई है। तो चलिए, मैं अभी आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। सो यस, अभी शाम का टाइम हो गया था, मुझे अपने बेटे को क्लास के अंदर छोड़ना था, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा मुझे था कि मैं अपना फेस वगैरह वॉश कर लूँ। तो अभी मैंने लास्ट शूट किया है, तो ऑलमोस्ट मैंने 11 o'clock के अराउंड लगाई थी और अभी 6 बज गए हैं, तो 7 घंटे हो गए हैं, अभी सफिशियंट टाइम है। तो अभी भी आप देखो लिप्स पे अभी भी लिपस्टिक है, एज मैंने चाय भी पी थी शाम की, तो बोल सकते हैं कि लिप्स पे पिगमेंटेशन इसकी रहती है। बट मेरे लिप्स ना मुझे काफ़ी ड्राई लग रहे हैं, आप देखो ऐसा फील हो रहा है कि बहुत चैप्ड हो गए हैं और ड्राई ड्राई है। तो जो मॉइस्चर लॉक है वो ऐसा मुझे लगा कि 2 से 4 घंटे रहता है, उसके बाद आपके लिप्स आपको फील होंगे कि थोड़े थोड़े से ड्राई लग रहे हैं। गाइस, दिस इज माय एक्सपीरियंस, लाइक इसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है, 499 इसकी MRP है, बट ये मुझे और भी 20% डिस्काउंट के साथ मिली थी, तो प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक पड़ गई। बट यस, इस प्राइस के अगर आप लिपस्टिक से इसका कंपेयर करो तो काफ़ी अच्छी है, लॉन्ग स्टे तो करती है, लाइक 6 to 7 hours तक मुझे लगा था कि मेरे लिप्स पे इसका वो था, मतलब कि लिपस्टिक लगाई हुई है ऐसा फील हो रहा था। बट यस, थोड़ा सा जो लिप्स को ना ही चैप्ड कर देती है, मुझे ऐसा फील हुआ कि 4 to 5 hours के बाद मेरे लिप्स थोड़े से मुझे ड्राई लग रहे थे, और ऐसा मन कर रहा था यार मुझे कि यार थोड़ा सा लिप बाम लगा लूँ, बट एज मुझे लाइव रिजल्ट दिखाना था तो मैंने कुछ भी अलग से अप्लाई नहीं किया था। तो 6 से 7 घंटे मेरे लिप पे थी, बट ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर प्रूफ है, जब मैंने खाना खाया था तो मेरे स्पून पे भी लगी थी, और जैसे ही आप इस तरह से हाथ लगाओगे ना थोड़ा थोड़ा, तो ये निकल के बाहर आएगी थोड़ी थोड़ी। बट यस, इसका जो पिगमेंट है ना वो थोड़ा सा लिप पे रहता है। सो यस, प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, लाइक ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई काम की नहीं है, 2 से 3 घंटे में ख़राब हो जाती है, वैसा नहीं है, 5 से 6 घंटे बहुत अच्छे से स्टे करके रहेगी और फील होगा कि यस लिपस्टिक लगाई हुई है, लिप पे पिगमेंटेशन रहेगी उसकी। तो यस, फॉर श्योर आप ट्राई कर सकते हो। सबसे अच्छी बात कि मामा अर्थ के प्रोडक्ट ना केमिकल फ्री होता है, तो आप इसको डेली लगा के रखना चाहते हो, ऑफिस जा रहे हो, डेली में अगर आपको लिपस्टिक लगानी है तो फॉर श्योर आप परचेज कर सकते हो। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे, ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस विथ मामा अर्थ न्यूली लॉन्च लिपस्टिक्स पे। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, एंड इसके बाद भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हो, फॉर श्योर मैं आपको रिप्लाई करूंगी। सो या वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं गाइज अगेन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।